भागलपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां एक सत्संगी बाबा एक महिला को सत्संग सिखाने के चक्कर में लेकर फरार हो गया। अब महिला का पति अपने पत्नी की तलाश के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा। यह पूरा मामला भागलपुर के गोराडीह के बिरनौत का है। दरअसल भागलपुर के गोराडीह के बिरनौत के रहने वाले शंकर मंडल की पत्नी उषा देवी को सत्संगी सत्सरण बाबा लेकर फरार हो गया। जब इसको लेकर प्रीत शंकर मंडल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सत्सरण बाबा सत्संग के बहाने अक्सर घर आया करते थे। यहाँ पर वो अपने सत्संग को पत्नी को भी सिखाते थे। कहीं पर भी सत्संग होता था तो मेरी पत्नी भी जाती थी, लेकिन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक दोनों घर से भाग गए। उन्होंने बताया कि लगभग 4 साल से वो घर आते जाते, दोनों के बीच 4 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब भाग गई तब पता चला कि दोनों के बीच काफी दिनों से संबंध था। शंकर मंडल ने बताया कि मेरी पत्नी मेरी सास से बात करती है। वो बोलती है केस खुलवाने के लिए हम कोर्ट में ही आकर कुछ भी बोलेंगे। वो बोलती है हमको किसी आश्रम में रखा है। प्रीत ने बताया कि हमको न्याय चाहिए, बाबा को सजा होनी चाहिए। पत्नी को सत्संग के बहाने लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर सिटी SP मिस्टर राज को आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है आपके साथ, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारी पत्नी को संतरण बाबा ने लेकर के भाग गया है। कौन है ये संतरण बाबा? बाबा वो सत्संगी था, हमारे यहाँ आता जाता था और बहुत दिन से आता जाता था। विश्वास हो गया था कि आता जाता है बाबा, है सत्संग वत्संग करता है तो आता जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने जाने के दरमियान में इसको लेकर के भाग गई। कहाँ का है वो बाबा? भदरिया का। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर बिरनौत पड़ता है। आपको कैसे पता चला कि दोनों के साथ संबंध है? संबंध तो लेकर के भागा था ना जाने। हाँ, कितने दिनों से दोनों के बीच चल रहा था चक्कर? तो 4 साल से चल रहा था, 4 साल। लेकिन हमको पता नहीं था कि बाबा होकर के ऐसा घिनौना काम करेगा। अच्छा, लेकिन ये विश्वासघात किया इन लोगों ने। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उषा देवी। क्या उम्र होगी? उम्र यही 40 वर्ष। बाबा का? बाबा का वही होता होगा 40-45। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इसका न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए कि लेकर के क्यों भागा बाबा होकर के, उसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। अच्छा, अभी पत्नी से बात होती है आपकी? हाँ, बात होता है। अभी अभी हमारे सास से बात हुआ है, हमसे तो बात नहीं करती है, लेकिन हमारी पत्नी से हमारे सास से बात हुआ है। वो बताया कि पूछता है कि कहाँ रहते हैं, तो कहता है कि अम्बाला आश्रम में रहते हैं। दोनों से बात होता है, वो बाबा से भी बात होता है, ये 58 वाला नंबर पर। क्या नाम है आपका? शंकर मंडल। कहाँ से रहने वाला है? बिरनौद, थाना गोराडीह, जिला भागलपुर।